सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना फतेहपुर प्रभारी के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त मेहताब पुत्र सलीम को गिरफ्तार किया। अभियुक्त अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर अपने गृह जनपद एवं सीमावर्ती राज्य पोष कॉलोनियों के घरों में घुसकर डकैती डालना, अवैध लाभ अर्जित करने हेतु गौकशी के अपराध कारित करते हैं तथा अपराध करके अन्य राज्यों में भाग जाते हैं, अन्य राज्यों में नाम बदलकर निवास करते हैं। अभियुक्त मेहताब उपरोक्त का ट्रांजिस्ट रिमांड प्राप्त कर 25/3/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। थाना गागा लेड़ी पर एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुराने 3 अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक अभियुक्त जो शेष है, जिसका नाम है मेहताब पुत्र सलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी कप्तान साहब द्वारा किया गया था, उसको 23 तारीख को डिस्ट्रिक्ट रांगा रेड्डी तेलंगाना स्टेट से गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर आज 25 तारीख को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इस पे गैंगस्टर के अलावा जो बेस मुकदमे थे वो सीमावर्ती राज्यों में पॉश कॉलोनी में ये डकैती के भी 2 इन पे क्रिमिनल हिस्ट्री है और गोकशी के भी इन पे मुकदमे थे, तो इसीलिए हमारे यहाँ से गैंगस्टर के उसमें वांछित था, जिसको आज भेजा जा रहा है। ये अपराध करने का तरीका इनका क्या था, कैसे कर रहे हैं? ये बेसिकली जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे बॉर्डर वाले एरिया पे, वहाँ पे पॉश कॉलोनी में ये लोग घर में घुसकर डकैती करते थे और अवैध धन अर्जित करने के लिए जो है गौकशी करते थे जंगल में जाकर। तो उसमें 3 अभियुक्त पहले ही जा चुके हैं, गैंग बनाकर ये ऑपरेट करते थे। एक अभियुक्त जो मेहताब पुत्र सलीम निवासी अमेठा शेख है, थाना देवबंद का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार कर भेजा। ये दूसरे स्टेट में भाग? जी जी जी, ये छुपने के लिए तेलंगाना स्टेट चला गया था, वहाँ इसके कोई परिजन थे वहाँ। इनका आपराधिक इतिहास? जी, इन पे आपराधिक इतिहास है, 7 मुकदमे हैं मेहताब पे, 7 मुकदमे हैं इंक्लूडिंग गैंगस्टर एक्ट।